ये रहा फ्रेंड्स, हमारा सेट फाइनली पहुंच गया और हम लोग टाके पे अभी डालने वाले हैं। और ये 3 तलों का स्टॉकिंग है तो बहुत ही अच्छा है सेट। तो बॉक्स अभी अनबॉक्स कर दिए और आधा रह गया है अनबॉक्स हम लोग अभी कर रहे हैं। और एक बॉक्स में 6 बैग है तो बहुत ही अच्छा है सेट, एक्टिव है बहुत ही और वेरिएशन बिल्कुल नहीं लग रहा है। और रात हो गया है, लेट से आया और हम लोग सब कोई लगे हुए हैं। और अभी हम लोग टाके पे डाल देंगे, फिर ब्लोअर चलाएंगे। देखिए हमारा सेट, और थोड़ा देर रखेंगे, मोल्टिंग हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग रिलीज कर देंगे। लेकिन रात तो हो गया है और मेहनत करना पड़ रहा है, ज़्यादा लड़के नहीं हैं हम लोग और भाई लोग मदद कर रहे हैं हम लोग को। और ये ब्लोअर मशीन हम लोग लगा दिए हैं और अभी ये 2 तलाव का जो स्टॉकिंग हुआ है उसमें से 7 दिन हो गया है। और कितना प्यारा लग रहा है, 7 दिन में इतना बड़ा बड़ा हो गया देखिए। और फ्रेंड्स हमारा दूसरा तालाब का ये चक्री 7 दिन का, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितने छोटे छोटे थे और कितना बड़ा हो गया, 8 PL के थे तो 7 दिन हो गए। और फ्रेंड्स 10 दिन का ये चक्री है, देखिए 10 दिन में इतना बड़ा हो गया। तो ग्रोथ बहुत अच्छा है, चेन्नई से सीड आया हुआ है, चेन्नई कनक मत्स्य, तो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग वहीं का स्टॉकिंग किए हैं और अभी फिर 3 तलाव का वहीं से मंगाएंगे। और ये 20 DOC का है, 20 DOC का आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, तो वहीं से हम लोग मंगाएंगे फिर से। अच्छा है, अब तक ग्रोथ भी अच्छा है, एक्टिव अच्छा है, फीड भी अच्छा है, खा रहा है। फिर ये अभी 2 तलाव का स्टॉकिंग हम लोग करेंगे। वो भाई अंदर गया हुआ है और प्लॉट में बैठा है और 2 जन रस्सी खींच रहे हैं उसको बैठा है। और बीच में जो पाइप देख रहे हैं ये आउटलाइन का पाइप है सेंटर पे, तो ये होल किया हुआ है पाइप में, तो उसी के ऊपर वो पाइप के ऊपर जाली लगाएगा ताकि स्टॉकिंग जब हम लोग कर देंगे तो उस पाइप के अंदर सीट ना चला जाए बोल के उस जाली लगा देंगे, फिल्टर लगा देंगे ताकि अंदर ना जाए सीट और वो अच्छा से रहे। जब 10-12 ग्राम हो जाएगा उसके बाद वो नेट खोल देंगे ताकि हम लोग जब भी पानी का एक्सचेंज करेंगे तो पानी का निकास अच्छा से हो पाएगा। तो फ्रेंड्स वो भाई देख सकते हैं गया हुआ है और अभी आज शाम को इसी का स्टॉकिंग है, तो इसी के तैयारी में। और उधर पाला पे भाई लोग हैं तो वो लोग अभी हापा लगाएंगे। 2 तलाव का तैयारी आज कंप्लीट हो गया, 2 हापा 1 तलाव में हम लोग लगाएंगे। रात को मिनरल मार दिया और पानी का कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, पानी एकदम बढ़िया दिख रहा है। और ओ भाई को खींचते खींचते धीरे धीरे से जा रहा है, वो पहुंच रहा है। और वो पाइप को ज़्यादा हिला देगा तो भी वो पाइप गिर जाएगा, इसलिए आराम से लेना पड़ रहा है उसको। और धीरे धीरे खींच रहे हैं, अभी पहुंचने वाला है, वो पहुंचेगा उसके बाद उसमें जाली डाल देगा। और जाली में नीचे हम लोग पत्थर बांध दिए ताकि जाली पूरा नीचे अच्छा से पहुँच जाए, क्योंकि ये 10 फीट है पाइप, 10 फीट है तो गड्ढा हम लोग का 2 फीट 2.5 फीट का गड्ढा है चौड़ा, तो हमारा 12 फीट चौड़ा होगा गोल सर्कल में। और गहरा पानी अभी 6 फीट भरा हुआ है, तो 6 फीट भरा हुआ है और गड्ढा 2.5 फीट मतलब 8 से 9 फीट का तो पाइप ही है, तो उसमें पत्थर बन दिया और गिराएगा तो उसको डर लग रहा है, इसलिए रस्सी देखिए रस्सी से पहले माप ले रहा है, उसके बाद जाली को मापेगा सही है कि
छोटा है कि बड़ा है वो देखेगा, बड़ा हो तो चलेगा, छोटा नहीं होना चाहिए। तो उसने माप लिया और अभी वो जाली को डालेगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा तो होल पूरा बंद नहीं होगा, होल बंद नहीं होगा मतलब एक्सचेंज करेंगे पानी तो उसमें घुस जाएगा तो फिर चला जाएगा सेट, तो इसलिए। और दूसरा तालाब जो फ्रेंड्स हम लोग स्टॉकिंग किए वो मैं बताने भूल गया, हापा बहुत अच्छा आया, 99, 98, 94, 96, 100 ऐसे ही आया है, तो सीड क्वालिटी अच्छा है ये देखिए। और ये जाली डाल रहा है, जाली डाल रहा है लेकिन पाइप को साफ तो किया हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सिकुड़ी है, तो इसके वजह से वो शायद जाली अच्छा से नहीं जाएगा और लगता है कि भाई को डुबकी तो लगाना पड़ेगा, पर अभी कोशिश है, वो पत्थर तो बंधा हुआ है और डल रहा है, देखते हैं उसको घुसना पड़ेगा कि नहीं पानी के अंदर, अच्छा से चला जाएगा तो घुसना नहीं पड़ेगा, बाकी तो उसको डुबकी लगाना पड़ेगा। और लगभग कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया और फाइनली फ्रेंड्स अभी हमारा सीड आ गया है, अनबॉक्सिंग हो गया है, अभी टांकी पे डालेंगे और ये दो तालाब का स्टॉकिंग आज हम लोग करेंगे। तो भाई लोग आए हुए हैं और हम लोग इसका स्टॉकिंग करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स, बाय बाय।